किसी प्रतीक्षा में मन को हमें विलंब और जल्दी नहीं, काल यहाँ पर स्थगित हो जाता है, रुक जाता है, अब वह स्वाभाविक परिणति होने लग जाती है, उस समय यह सब घटना घट जाती है। सब प्रभु बने हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार प्रभुओं की दरवाजाओं में इन प्रतीक्षाओं की घड़ियां व्यतीत की होगी, तब कहीं जाकर के उनके चरण सानिध्य में उनके समान बनकर के बैठने का सौभाग्य प्राप्त। जहां कहीं से भी आप प्रभु को देखो, प्रभु तो प्रभु ही होते, उनकी दृष्टि, उनका ज्ञान, उनका आचरण सब में ऐक हुआ करता है। जैसा देखते हैं वैसा ही जानते हैं, और जैसे जानते हैं देखते हैं वैसे उनका आचरण भी घटित होता रहता है। यह उनके तीनों त्रिवेणी जिसको होना चाहिए, गंगा और यमुना और सरस्वती का यह मेल समागम हमेशा हमेशा प्रयाग का रूप धारण किया हुआ है। प्रयाग समझते हो आप? इलाहाबाद संगम होता तो उनका यह परिणाम हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही दूसरा, तो भगवान के सामने जा करके नमोस्तु कर रहे हैं, आदि आदि कर रहे हैं, वे भी भूल जाएं केवल जिसके लिए हम आए हैं वही दिखे, क्या लगेगा? जो आप चाहते हैं वही लगेगा। हम दुनिया को भूल नहीं पा रहे हैं, इसलिए दुनिया के सभी चीज हमारे ज्ञान में झलक नहीं रही, और वो भगवान दुनिया को भूल के उनके दृष्टि में दुनिया पूरी झलक रही। आप जानना चाहते हैं ये गलत है, आप जानते रहिए ये सही। जब जानते रहिए, जानते जानते ही केवल मात्र रहेंगे तो आप ज्ञायक बन जाओगे, पूर्ण हो जाओगे। इच्छा रखोगे ज्ञान की तो इंद्रियां अवश्य आपके सामने और मन आपको धमकाने लगेगा, मैं जैसा चाहता हूं वैसे सोचो विचार करो, तो सारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकोगे। इसलिए मन की उदास बन, और जो व्यक्ति मन का दास होता है वो तो उदास होता है। संसार से उदास होना चाहिए था, हुआ नहीं, मन की अनुकूल नहीं बना, इसलिए वह उदास हो जाए। महाराज हम लोगों के उदास मुखरों को तो कम से कम देखो, हमने बहुत प्रयास किया एक आध मुखड़ा दास के रूप में आ जाए, लेकिन उदास उदास ये उदासी ये ठीक नहीं, इस प्रमाद का प्रतीक है, अथवा आशा का जो दास हो जाता है वही उदास हो जाता है, और जो दुनिया के विषयों से मुड़ करके इस ओर देख लेता है तो फिर भगवान के निवास में वह प्रविष्ट हो जाता है। इनका ऐसा आवास है जो हम लोगों को बता रहा है दुनिया में कहीं भी नहीं है, जो इनके चरणों में और इनकी दृष्टियों में है। हमारे भीतर भी वह हो सकता है, लेकिन जब हम केवल प्रभु को ही देखते रहे
यहाँ पर आप आए हैं इसलिए प्रभु को देख रहे हैं, ये भी धारणा गलत है। जो यही नहीं आ पा रहे हैं वे यहाँ पर हैं, और जो जहाँ से आप लोग आए हैं हम आए ऐसे कहेंगे, कहाँ से आए तो वही तो दिखेगा सूरत, वही तो दिखेगा दिल्ली, वही तो दिखेगा कलकत्ता, वही दिखेगा विलासता का पुर विलासपुर। बोलो आप बताओ कहाँ से आए आप, ये पूछते हैं, क्या बताए बताओ। ये महाराज हम लोगों की एक व्यवहार की स्थिति है, उस व्यवहार को अपनाओ जो निश्चय को हेतु नियत को हो, निश्चय का जो कारण होता है, निश्चय तक जो ले जाता है, निश्चय के साथ जिसका गठबंधन होता है, ऐसे व्यवहार को करने वाला व्यक्ति भी इसीलिए संसार से तो उदास होता है किंतु वह भगवान की प्रति अपना मुख किया हुआ रहता है, वह अपने आप को धन्य 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 मानता है। उदास होता है जो, वह तो अपने आप को धन्य नहीं मान सकता। इसलिए आज का यह मंगलाचरण, मुझे वहां पर बैठाया गया दूर से थोड़ा सा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग थे और ध्वजारोहण करना था, विधिवत सब कुछ हो रहा था, वहां पर ध्वनि आ गई। अब इसे बाद में किया जा सकता है, लेकिन ध्वजारोहण का मुहूर्त तालियों नहीं, तो हम यही तो कह रहा था कि जल्दी न करियो, समय पर करियो। तो मैं देख गया भक्ति हो गई तीन चार, तो संकेत दे दिया ब्रह्मचारी ने, हाँ अब उसको खोल दीजिए। बांधा था रस्सी से, तो वह चुई झटका लगाने से खुल गया, लेकिन ध्वजा हिल नहीं रहा था। थोड़ी सी हिलाया तो उत्तर की ओर एक साथ ये भी कुछ आए नहीं। सुन रहे हो आप लोग, ध्वजारोहण करने वाले ये सोचे ध्वजारोहण में यही तो होता है, एक पांव खड़ी भी बच नहीं सकते, जो कुछ भी है वो सारा का सारा उत्तर की ओर झुक गया। यह कुबेर की दशा मानी है, दिशा दिशा। कुबेर एक प्रकार से सौदर इंद्र के संकेत पर पूरा खजाना बाहर ला करके फेंक देता, तो कभी भी निधि पूर्ण समाप्त नहीं होती, क्योंकि वह पद ऐसा ही रहता है। यदि मानो समय पर वह गांठ न खुली, आप सुन रहे हो, मन की गांठ खोल करके सुनिए, कान तो सुन ही रहे लेकिन कान कभी उदास नहीं हुआ करते, और मन उदास होता है तो मत सुनाओ ऐसे कान कहते हैं, कान नहीं कहते किंतु मन ही कहता है। तो वह खोल देता, गांठ यदि समय पर नहीं खुले तो क्या होगा मुझे बताओ, तो सभी उधर ही देखते रह जाएंगे, उधर ही देखते रह जाएंगे। जो कुछ भी आपने गांठ मान करके रख रखा है,
यदि भगवान के भक्त हैं तो क्या समय पर हमारा नहीं माना है तो छोड़ देंगे, मान करके बेचते हैं तो छोड़ना बहुत कठिन है। मंगलाचरण में इतना ही समझता हूँ। आगे के कार्यक्रम आपके अब एक के दिन एक के बाद एक 5 दिन तक लगातार क्या समझते हो लगातार का क्या होता है? हाँ तार आता है तार, पहले कहते दक्षिण में मुनियाड आता था तार आता था, नहीं समझे? तो तार जो है ना टूटा हुआ नहीं रहता लगातार। अब आप लोगों का तार बड़े बाबा से लगातार जुड़े रहे इन्हीं भावनाओं के साथ व्यवस्था।